तो प्यारे बच्चों देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करते हैं। ये भी आपका 6th के ही तरह केस है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देख क्या दिया कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर एट ए हाइट कितना दिया है, बेसिकली 20 मीटर दिया है और 45 एंड 60 मीटर। तो बेसिकली बच्चों देखिए, हमें इसमें दिया क्या कि भैया आपका एक टावर दिया है, उस टावर है वो उसका 20 मीटर आपकी बेसिकली स्टार्टिंग हाइट दे दी, मतलब भैया उसका टॉप है, मतलब जो कोई व्यक्ति आपका 45 डिग्री से देखता है, मान लीजिए भैया इस आदमी यहाँ पर है, जब 45 डिग्री से देखता है तो उसकी हाइट बेसिकली कितनी है, 20 मीटर है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर वही व्यक्ति थोड़ा सा और ऊपर होके देखता है, यानी अगर वो 60 एंगल बना के देखता है, तो टावर की हाइट हमें वही बेसिकली बतानी भैया कितनी हाइट उसकी बढ़ जा रही है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यानी मान लेते भैया उसकी हाइट एच बढ़ जा रही है, तो इसी को हमें बताना है। तो बहुत आसान है, देखिए हम लोग इसको बेसिकली कैसे करते हैं। एक बार देखिए फिगर, जो बच्चे नहीं बना पा रहे हैं, एक बार इसको अपने ट्राई करिए कि भैया आप लोग कैसे वैल्यू निकालेंगे यस की। तो देखिए बहुत आसान है। तो बस प्यारे बच्चों, हमारा पुराना फंडा कि हम लोग 10 के साथ चलेंगे, कोई पूछेगा 10 के साथ क्यों, देखिए प्यारे बच्चों, देखिए 10 के साथ चलेंगे तो हाइपोटेन्यूज को वैसे भी काम नहीं है, यच और यक्स में हमें कंसिडर करना है। तो चलिए जब हम बात करेंगे 1060 के बारे में तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर मतलब हाइट कितनी है, यस तो ए हम टोटल हाइट कंसीडर करेंगे कि नहीं बताइए आप लोग, हाँ बिल्कुल करेंगे। तो यानी यस प्लस 20 ए आ जाएगा और बेस प्यार बच्चों हमारा यक्स रहेगा ही रहेगा। तो 1060 को हम लोग जानते हैं 1/√3 होती है, तो यानी प्यार बच्चों यहाँ से बेसिकली यक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताइए आपने, यच प्लस 20/√3, हाँ यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है। और प्यार बच्चों जब हम लोग बात करेंगे 45 से चलेंगे, चलिए भैया लिखिए आप लोग 1045 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी बताइए आप लोग, परपेंडिकुलर की वैल्यू बेसिकली 20 है, बेस आपका यक्स है और 1045 की वैल्यू 1 होती है, यानी प्यार बच्चों यक्स की वैल्यू आपकी 20 आ गई। अब प्यार बच्चों यही यक्स की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, यानी √3 यच प्लस 20 इक्वल टू 1, यानी यच प्लस 20 इक्वल टू 1/√3 माइनस 20, यही आपका बेसिकली प्यार बच्चों हमारा आंसर आ गया। तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ इतनी आ गई कि नहीं, इसी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। और प्यार बच्चों उसी तरीके से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8th के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8th भी आपका एज इट इज है, तो आप लोग के लिए यह होमवर्क है, तो आप लोग इसको जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है।